नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज राज्य सरकार ने जो है राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ते के पुनरक्षित दर का आदेश जारी कर दिया गया है, तो हमारे साथ सभी कर्मचारी संघ मौजूद हैं। अच्छा, हमारे साथ विजय झा जी, विजय संघ जी, आज आदेश जारी किया गया है, क्या कुछ कहना? इस आदेश से प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी में और आक्रोश है। इतने बड़े मुख्यमंत्री के निवास से ये कहा गया कि देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा, और आज आदेश जारी हुआ तो 1 अगस्त से मिल रहा है। इसके पहले का 5% महंगाई भत्ता जो था वो 1 मई 2022 से दिया गया। मेरा ये कहना है कि 6% की ही वृद्धि हुई, हमको 12 मांग रहे थे, 6 मिला, 6 में भी नगद कुछ नहीं मिलेगा, 1 अगस्त से मिलेगा। हमारा जितना भी महंगाई भत्ता लंबित है केंद्रीय कर्मचारियों के समान, उसमें 5 और 6 का आंकड़ा कहीं आता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी को अधिकारी गलत तरीके से बता रहे हैं, जो खुद 1 जुलाई 2021 से 3% दे तिथि से भी लिए हैं, एरियाज भी ले रहे हैं। वो आईएएस अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी महंगाई भत्ता है केवल 4%, 3%, 4%, 3%, ये 5 और 6 का अंक तो कहीं जुड़ता ही नहीं है। ऐसा कौन सा बात है कि अधिकारी एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत करके प्रदेश के कर्मचारियों के पीठ में छुरे भोंक रहे हैं। इससे नाराज कर्मचारी, क्योंकि इसके बाद अब ना दिवाली में महंगाई भत्ता मिलना है, ना अगले साल मिलना है, खाली पैसा नहीं है, छाती पीटना है। तो प्रदेश का कर्मचारी 22 तारीख से सशक्त और निर्णायक अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा था। आज के आदेश से और कर्मचारियों का आक्रोश दुगुनित हो गया, दुगने उत्साह से 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया था, क्या कुछ उस समय बातचीत हुई थी, केवल 6% ही हो पाए? हमारा 5 दिन के हड़ताल में अधिकारी लोग कोई बातचीत नहीं किए, हड़ताल हमने किया। वेतन किसका बढ़ा? 70,000 रुपया मुख्यमंत्री का, 60,000 रुपया मंत्रियों का, 50,000 विधायकों का। भारत में आपको नहीं मिलेगा कि हड़ताल हम करें और तनख्वाह उनका बढ़े, उसके बाद भी हमारे लिए आर्थिक संकट की बात करते हैं। कोई आर्थिक संकट नहीं है, अधिकारियों के लिए क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं है? उनको 60,000 मिलेगा, हमको तो 600-800 मिलना है। तो ये कहना कि उनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज़्यादा है। और आपको बता दूं, जब इन लोगों का विधानसभा में वेतन बढ़ा तो हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, भारत में हम 5वें नंबर में। तो कर्मचारियों के लिए क्यों 15वें नंबर में आ गए भाई? कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से 20 जनवरी 2020 से बकायदा देय तिथि से एरियास की राशि नहीं मिलेगी, तो हम हड़ताल के लिए कृत संकल्पित हैं। अभी तो महंगाई भत्ता में ही गोलमाल हो रहा है, इसके बाद गृहभाड़ा भत्ता है, प्रत्येक कर्मचारी को 10 से 15 हज़ार रुपया आर्थिक क्षति हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अधिकारी अपना खुद पेट भर खा लिया, हमको भूखे रखा है। तो आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और मेरे पूरे कलेक्टर सरों द्वारा डराने धमकाने की भी बातचीत की जा रही है। देखिए, उनका काम है ये जो है ना, अधिकारी लोग रातों रात अपना विचार बदलते हैं। भाजपा सरकार रहेगा तो उनके अधिकारी हो जाते हैं, कांग्रेस सरकार रहेगा उनको अधिकारी। आपको मालूम नहीं है, पिछली सरकार में हम लोग निलंबित हुए हैं, जेल गए हैं। हम तो बार बार बोलते हैं, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, जिंदगी बीत जाएगा खेल में। धमकाएंगे तो आंदोलन और सशक्त होगा, गिरफ्तार करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे तो आंदोलन तो सशक्त होगा। इनकी गति भी वही होगी जो रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की हुई है। पिछले समय कितना लाठीचार्ज, कितना गिरफ्तारी, अभी देखिए विद्युत मंडल वालों के साथ कितना लाठीचार्ज हुआ था। प्रदेश का कर्मचारी दादागिरी से और प्रशासन गुंडागर्दी से कभी न डरा है न डरेगा। यह प्रदेश के कर्मचारियों के मान सम्मान की लड़ाई है, उसके लिए 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे प्रदेश में सफल होगा। और इस आदेश के बाद बार बार फोन आ रहे हैं और सब कर्मचारी जुड़ गए हैं फॉर्म भराने के लिए। एक सवाल अंतिम और लूंगा, अगर मान लीजिए आप लोगों की हड़ताल के बाद इसको जनवरी से फिर से कर दिया जाता है अगस्त की जगह, तो क्या 6% पर ही मान जाएंगे? नहीं, हम 6% पर मानेंगे नहीं, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, बीच का रास्ता यह है। जितने आईएएस अधिकारियों को मिल रहा है उतना प्रदेश के कर्मचारियों को मिल जाए। ये 4 प्रकार का महंगाई भत्ता, बिजली ऑफिस वालों को 34%, आईएएस अधिकारियों को 31%, पेंशनरों को 17%, हमको आज 22 से 6 28%, एक राज्य में 4 प्रकार का महंगाई भत्ता, और वो भी देने का तरीका और प्रतिशत सब अलग अलग। ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करने वाले। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, महंगाई बढ़ गया। अच्छा, उनके लिए बढ़ा, हमारे लिए नहीं बढ़ा? महंगाई बढ़ा तो महंगाई भत्ता दिया जाए, नहीं बढ़ाया तो महंगाई कम कर दो, महंगाई भत्ता वापस ले लो। हम तो बार बार यही कहते हैं।
किस प्रकार का हड़ताल होगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में होगा। और मजे की बात यह है कि हमारे सिविल कोर्ट के, हाई कोर्ट के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, नगर निगम का कर्मचारी आंदोलन में शामिल हो रहा है, हमारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा का तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि पैसे की लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए आंदोलन सफल होगा, हमको इस बात का विश्वास। आम जनता परेशान नहीं होगी, बार बार हड़ताल हो रहा है? आम जनता को हम थोड़ी परेशान करेंगे जी, ये मंत्रालय में बैठे हुए वो अधिकारी परेशान कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री को गलत फीडिंग करते हैं। मुख्यमंत्री जी बेचारे तो सीधे सरल छत्तीसगढ़िया खुद बोलते हैं, मेरा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, मैं डीए नहीं जानता, दे तिथि नहीं जानता, ये अधिकारी लोग जानेंगे। तो जो अधिकारियों को मिल रहा हमको मिल जाए, बस यही तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सभी कर्मचारी लोग थे और उनके संरक्षक विजय झा थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है आने वाले समय में वो कितना बड़ा हड़ताल करने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा जिसमें सभी 5 लाख कर्मचारी शामिल होने वाले हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। कैमरामैन दिनेश के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।